एक पेपर डैशबोर्ड मास्टर इंटरनेट से डाउनलोड करा है। इसका जो टैम्पलेट है उसको मैं यहाँ पे ओपन विद कर रही हूँ। वी एस कोड के साथ ही आप इसको ओपन कर लो, विजुअल स्टूडियो कोड के साथ कर लो, नोटपैड पे कर लो, कहीं भी आप कर सकते हो। ठीक है, इसका जो नॉर्मल प्रिव्यू है वो आपको यहाँ पे हमने दिखा दिया है। ठीक है, तो इसका प्रिव्यू हमारे पास ये, तो जो मेरा वी एस कोड यहाँ खुला हुआ है, मैं फाइल पे जा रही हूँ, यहाँ से ओपन कर ले रही हूँ मैं। ठीक है, मैंने कहा ओपन फाइल मुझे करनी है, कौन सी फाइल ओपन करनी है, मैंने कहा डाउनलोड्स के अंदर मेरे पास ये टैम्पलेट्स का मौजूद है, इसके अंदर मैं जा रही हूँ, यहाँ टैम्पलेट को मैं डाउन ओपन कर रही हूँ। ठीक है, अब मुझे इसमें से क्या क्या चीज़ें चाहिए और क्या चीज़ें नहीं चाहिए इसके टैम्पलेट बनाने के लिए। ठीक है, तो आपने सबसे पहले जो हमने यहाँ पे काम करा था, वो हमने काम क्या करा था, नॉर्मली मैं पहले की बात कर रही हूँ, जो हमारा पहले लेआउट था, हमारा कुछ वो इस तरह का लेआउट था, यही था ना हमारा लेआउट। ठीक है, तो अभी भी मेरा कुछ इस तरह का ही लेआउट होगा, लेकिन मैं इन चीज़ों को किस तरीके से मैनेज करूंगी और किस तरीके से मर्ज करूंगी। देखो, एडमिन फुटर हो गया, एडमिन हेडर हो गया, इसी तरीके से मैं यहाँ पे एक और फाइल बनाऊंगी एडमिन के फोल्डर के अंदर, वो क्या है, एडमिन लेआउट। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या करना है, एडमिन लेआउट डॉट ब्लेड डॉट PHP। ठीक है, ये मेरे पास बन गया। सही है, तो बेसिकली अगर हम यहाँ देखें तो मेरा जो पुराना वाला काम था वो ये था। सही है ना, जो लेआउट वेबसाइट का है, इसी चीज़ को मैंने कॉपी करा है और इसको मैं कॉपी करके कहाँ रखूँगी, एडमिन लेआउट में रखूँगी। किस में रखूँगी, एडमिन लेआउट में। अब मैंने जो इंक्लूड करना है वो हेड इंक्लूड नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि मैंने अब जो है वो हेड में मैं खुद यहाँ पे CSS रख लूँगी। ठीक है, हेडर है हमारे पास, तो हेडर मुझे मिलेगा कहाँ पे, ये जो है वो इसका नाम क्या है, एडमिन हेडर। तो बेसिकली मुझे मिलेगा कहाँ, ये एडमिन, ठीक है, डॉट एडमिन हेडर। क्या नाम है इसका, एडमिन डॉट एडमिन हेडर। इसी तरीके से यहाँ आ जाओ, एडमिन का फोल्डर है डॉट एडमिन फुटर। समझ में आई बात, और जो ये वाला काम है ये एज इट इज एस ऐसे ही रहेगा, इसमें आपने किसी किस्म की कोई चेंजेस नहीं करनी। इतनी बात समझ में आई। अब आ जाओ एडमिन इस वाले टैम्पलेट के ऊपर। इस वाले टैम्पलेट के अंदर जो हेड है, हेड के अंदर आपके पास ये सारे के सारे लिंक्स मौजूद है ना मौजूद। इन सबको मैंने यहाँ से कॉपी करा है। ठीक है, कॉपी करने के बाद मैंने इसे रखा कहाँ है, यहाँ पे रख रही हूँ इधर हेड में। अच्छा, सही है, ये तो लिंक्स हैं, ये डॉट करके जो एसिड का फोल्डर आ रहा है ये मैं बताऊंगी ये आपने कहाँ रखना है। सही है, और इसको फिर आप किस तरीके से लिंक अप करोगे। ठीक है, यह मेरे पास डैशबोर्ड है, तो मेरे पास जो डैशबोर्ड है वो बेसिकली कहलाएगा एडमिन डैशबोर्ड। ठीक है, बस इतना। इसके बाद आप टैम्पलेट में जाओ, टैम्पलेट के अंदर और क्या चीज़ें मेरे पास यहाँ पे मौजूद हैं, ये सारी चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं। हमारे पास यहाँ लोगो है, साइड बार है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये जो चीज़ें आ रही हैं, नैव बार है हमारे पास इसके बाद। ठीक है, फिर ये मेरे पास आता है पर्टिकुलर कॉन्टेंट का हिस्सा आता है, ये मेरा फुटर आ रहा है, ये आ रहा है आपको नज़र, ये फुटर। ठीक है, इसके बाद जो है वो अगर आप यहाँ देखो तो ये नीचे ना मेरे पास ये वाली स्क्रिप्टिंग ये लगी हुई है। ठीक है, तो इस वाले पोर्शन को मैंने कॉपी करा है और मैं अब मूव कर रही हूँ अपने एडमिन लेआउट में। लेआउट के अंदर मैं इस वाली लोकेशन के ऊपर भी इन स्क्रिप्ट को क्या कर सकती हूँ, प्लेस कर सकती हूँ। ठीक है, फुटर में भी कर सकते हैं, इधर कर रही हूँ मैं अपने टैम्पलेट में कर रही हूँ, फुटर में नहीं कर रही क्योंकि मेरे पास ये बॉडी के टैम्पलेट में आ रहा है ना, तो मैं यहाँ पे भी कर सकती हूँ, फुटर में भी कर सकती हूँ, आपकी अपनी मर्जी है, ये मैं सिर्फ इतना बता रही हूँ। ठीक है, अब रहा सवाल ये कि जो मेरे पास एडमिन फुटर है, ये रहा फुटर में मैंने क्या डालना है, टैम्पलेट में से मैं आई और मुझे कितनी चीज़ें डालनी है। खैर, हम एक काम करते हैं, फुटर में मैं डाल देती हूँ, थोड़ा वो फिर सही रहेगा ना, फिर यहाँ से ना चीज़ें वो डिस्क का प्रॉब्लम हो जाएगा। अच्छा, यहाँ नहीं डाली, सिर्फ हेड वाला पोर्शन ही सही था। अब आ जाओ यहाँ पे हेडमिन, आपके पास फुटर है हमारे पास, टैम्पलेट में से मुझे जो चीज़ें उठानी है वो मुझे यहाँ से उठानी है, ये फुटर की आपको डिव मिलेगी, यहाँ नैव बार एंड हुआ, नैव बार एंड कंटेंट, ये रहा। यार मुझे फुटर का नज़र, इस पोर्शन को मैंने पूरा यहाँ तक ले लेना, बॉडी का टैग छोड़ देना, यहाँ से लेके कॉपी करा
और फुटर का यहाँ पे ले जाके क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। ठीक है, इसी तरीके से मैं ओपन करूँगी एडमिन का हेडर। टेम्पलेट में आई मैं, और टेम्पलेट में आने के बाद जो इसका हेडर है वो मेरे पास क्या है, एक इसकी रैपर क्लास है, ठीक है, जो कि मेन है। रैपर क्लास हमारे पास क्या है, मेन है। इसके बाद अगर आ जाओ यहाँ पे, साइड बार है, मेन पैनल है, ठीक है, और मेन पैनल के अंदर भी अगर आप देखो तो आपके पास एक नैव बार है, ठीक है, और इसके बाद हमारे पास कंटेंट आ रहा है, ये आ रहा है नजर, सही है। तो अब मैंने काम क्या करना है, ये वाला लिया यहाँ से लेके यहाँ तक, जहां तक एंड नैव बार हो रहा है, कंटेंट को अभी मैंने टच नहीं करा है, कॉपी करा है यहाँ से, और मैं आ गई हूँ एडमिन हेडर पर, और यहाँ लाके मैंने इसको क्या कर दिया है, पेस्ट कर दिया, और इसको मैंने इतना क्या कर दिया है, सेव कर दिया, सही है। अच्छा ठीक है, इसके बाद आपके पास जो कंटेंट है, हमारे पास जो बीच वाला पोर्शन है, यानी आप यहाँ देखो ये रही है मेरे पास कंटेंट। कंटेंट में अगर बात करूँ तो मेरे पास यहाँ पे ये वाली डिव आ रही है, सही है, और ये डिस्क्रिप्शन आ रही है। कंटेंट का जो पोर्शन है इसको मैंने ये कॉपी करा है, और मैं इसको लेके आ रही हूँ अपने लेआउट के ऊपर, ठीक है, इधर लेआउट पे इसको लाके मैंने यहाँ पर पेस्ट करा। कहाँ पेस्ट कर रही हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर रही। अब वो ये कह रहा है कि डिस्क्रिप्शन मेरी कहाँ आनी चाहिए, या रहे यहाँ पे क्लास है योर कंटेंट हियर, जो डिस्क्रिप्शन हेडिंग है और जो मेरा कंटेंट है वो इधर आना चाहिए, आ रहे हैं ना यहाँ पे, ठीक है। तो ये वाला जो पोर्शन है ना मेरे पास, ये वाली जो डिफ का पोर्शन है, ये इतना, इस वाले को मैं कॉपी करके कहाँ रख दूंगी, यहाँ पे रख दूंगी, ठीक है, ये डिफ इसके अंदर बन जाएगी, सही है। और जो आपका कंटेंट हेयर है, जो डिस्क्रिप्शन है, वो यहाँ से मैंने हेडिंग फिलहाल हटा दी, ठीक है। कमेंट कर रही हूँ, सही है। और जो ये नीचे वाला पोर्शन है ना, अब ये मेरे इसका पार्ट नहीं है, इस वाले को मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया है, सही है। अब वही टेम्पलेट की स्टाइलिंग है, वो मैंने यहाँ पे लगा दी। अच्छा, अब आपका जो डैशबोर्ड है, ठीक है, जिस तरह हमने अबाउट का पेज था हमारा, और इस तरह हमने एंड सेक्शन और एक्सटेंड लेआउट करा हुआ था, इसी तरीके से आप आओगे यहाँ पे और डैशबोर्ड जो हमारा है यहाँ पे एट द रेट इस तरह इस पे अप्लाई करा। लेआउट है हमारे पास, एडमिन का फोल्डर है, उसके अंदर अगर आप चले जाते हो तो आपको क्या मिलेगा, एडमिन लेआउट, ठीक है। और यहाँ हमारे पास हेडिंग हो जाएगी, हेडिंग 3, ठीक है। अच्छा, अब अगर आप यहाँ पे देखो, जब मैं यहाँ लॉग इन हो रही हूँ, ठीक है, और ठीक है इस तरह, तो यहाँ पे जो ये चीजें आ रही है ना, वो सेटअप होके नहीं आ रही, क्योंकि एसेट के फोल्डर्स कॉपी नहीं है और बाकी चीजें कॉपी नहीं है, ठीक है ना। तो पहले तुम इतना करो, फिर मैं बताती हूँ कि बाकी चीजें किस तरह प्लेस करेंगे, ठीक है। सिर्फ अभी काम क्या करना है, आपके पास जो ऑनलाइन स्टोर के अंदर पब्लिक का फोल्डर है, उसके अंदर आपने टेम्पलेट में से एसेट का फोल्डर उठाना है और यहाँ ले जाके क्या कर देना है, पेस्ट कर देना है, ठीक है। पब्लिक के फोल्डर के अंदर आपने एसेट्स पेस्ट करना है, टेम्पलेट में एसेट का फोल्डर उठाओगे, यहाँ लाके पब्लिक के फोल्डर के अंदर पेस्ट करोगे। इसके बाद काम क्या करना है, तुमने
यहाँ पर जहां जहां लिंक लगी हुई है वहां उन लिंक को यूआरएल के अंदर पेस्ट करने, यानी कर्ली ब्रैकेट्स लगाओगे यूआरएल कोटेशन के अंदर, जो भी यहाँ पे लिंक बना हुआ है उनको इसके अंदर ले जाके यहाँ पे पेस्ट कर दोगे इस तरह। यानी आप यहाँ पे दोबारा से देख सकते हो, मैं यहाँ पे आपको फुटर पे दोबारा दिखा देती हूँ, ये तो लेआउट है ठीक है। आपने करना क्या है, इनको चेंज किस तरह करोगे, ये तो नॉर्मल लिंक्स लगे हुए। अब रेड सपोज ये वाला है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, कर्ली ब्रैकेट्स बनाऊंगी ठीक है, और इसके अंदर मैं लिखूंगी भाई URL, राउंड ब्रैकेट बनाया, कोटेशन मार्क लगाया, और यहाँ से डॉट को छोड़कर, डॉट नहीं चाहिए हमें ठीक है, डॉट मिटा देंगे और इसको ले जाके यहाँ पे इस तरीके से पेस्ट कर देंगे। समझ में आई बात? Yes, no. ये काम करना है। तो ये सब पे होगा इस तरह, तो आप सब पे जो है वो इस तरह कर लो, कर्ली ब्रैकेट्स बनाओ पहले ठीक है, अंदर लिखोगे URL, राउंड ब्रैकेट्स, सिंगल कोटेशन, और फिर इसको उठा के यहाँ पे कट करना है, डॉट में डालना है और यहाँ पे पेस्ट कर दें। ठीक है, मैं पहले सब में ये पेस्ट कर लूँ, उसके बाद मैं कट पेस्ट करूँगी। कंट्रोल एक्स करा और इसको यहाँ से मिटाया और यहाँ लाके पेस्ट कर। ये जब आपका सेट हो जाएगा बेटा, तो यहाँ पर जब आप आओगे रिफ्रेश करोगे तो आपके पास कुछ इस तरीके से ये चीजें सेट हुई भी आ रही होंगी ठीक है। अब जैसे ये टाइटल है, यहाँ पे टाइटल होना चाहिए डैशबोर्ड का, तो जहाँ पे हम देख लेंगे कि जो मेरे पास हेडिंग है टाइटल की, वो मेरे पास हेडर में कहाँ है, उनको आप उस जगह पे ले जाके सेट करना शुरू कर दो ठीक है। इस तरीके से आप इसको सेट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आप अपना लोगो लगा सकते हो अगर आपके पास कोई लोगो मौजूद है। हाँ बेटा, यहाँ कर्ली ब्रैकेट में URL करके आएगा, जो भी अंदर आपके पास पहले लिंक था वो यहाँ आएगा।
ठीक है, डॉट के साथ तो वो ऑलरेडी लिखा हुआ है ना, डॉट हटा के बाकी वो वैसे का वैसे ही रहेगा, लेकिन ये कर्ली ब्रैकेट में यू आर एल लिखकर राउंड ब्रैकेट सिंगल कोटेशन के अंदर लिखना है। ये यहाँ पे चेंज होगा और फुटर में चेंज होगा नीचे, ठीक है, ये तो हैडर है, इसी तरह फुटर में चेंज होगा। टाइटल चेंज कर दिया है डैशबोर्ड, जो कि यहाँ पे मेरे पास पहले ही आ रहा था ना टाइटल, ठीक है, इसको भी चेंज कर रही हूँ, ये डैशबोर्ड नीचे से यहाँ से मैं हटा दूँ, ठीक है, ये आपके पास इस तरह आता रहेगा। जो हमारे पास नॉर्मल डैशबोर्ड है इस पे से मैं फिलहाल ये हेडिंग को यहाँ से क्या कर रही हूँ, कमेंट कर दे रही हूँ, क्योंकि अब इसकी नीड नहीं है, क्योंकि मैंने यहाँ पे डायरेक्टली जो है वो डैशबोर्ड की हेडिंग यहाँ लगा दी है। ये जो सम एक्शन और ये सब लिखा हुआ है ना, सम एक्शन और यहाँ पे ये मौजूद है, तो अगर आप यहाँ देखो तो ये लिखा हुआ एक्शन समथिंग और ये अनदर एक्शन और ये ड्रॉप डाउन बनी हुई है ना, तो जब मैं यहाँ पे आ रही हूँ हेडर के अंदर, तो आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे आपके पास ये आया हुआ है एक्शन, ठीक है, अनदर एक्शन और ये, तो मुझे इतनी सारी चीज़ें नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ क्या चाहिए, एक तो अकाउंट की जो है वो सेटिंग हो गई और दूसरा जो है वो मुझे क्या चाहिए, लॉग आउट चाहिए, ठीक है, तो एक मुझे क्या चाहिए यहाँ पे लॉग आउट चाहिए, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है लॉग आउट, और दूसरा मैं यहाँ पे एक्शन लिख रही हूँ, इसकी जगह पे मैंने लिखा है यहाँ पे अकाउंट लिख दिया, ठीक है, एक पे आप अकाउंट सेटिंग पे चले जाओगे, दूसरा मेरे पास क्या है लॉग आउट है। रिफ्रेश करा मैंने, अब आप यहाँ देख सकते हो कि मेरे पास यहाँ पे ये दो इस तरह आ रहे हैं, ठीक है, ठीक है, जो सर्च है इस पे आप देख सकते हो फॉर्म लगा हुआ है ना फॉर्म, सही है, इधर आके इसका मेथड जो है वो यहाँ पे हम कर सकते हैं पोस्ट, समझ में आई बात। अब ये हम बाद में देखेंगे कि इस फॉर्म से हमें करना क्या, सही है, इसका एम्प्टी है, ठीक है, फिर ये नैव बार है जिसके अंदर आपके पास आ रही है ड्रॉप डाउन आ रही है, ठीक है, लिस्ट है, लिस्ट के अंदर ये सारा काम हुआ है, कंट्रोल एक्स, ठीक है, इस पर भी मैं रिफ्रेश कर रही हूँ उसको, इससे अब आप चले जाओगे जो तुम्हारा फर्स्ट आइटम और ये चीजें आ रही है ना सेकंड आइटम, ये यहाँ पे इस लिस्ट से आ रही है, ठीक है, जो साइड में आपके पास हमारे पास ये बार आ रहा है फर्स्ट सेकंड एंड देन थर्ड, ठीक है, तो हमें यहाँ पे सबसे पहले जो थर्ड वाला है वो है कॉन्टैक्ट, लोकेशन वाला यूज हुआ है, अगर आपने यही रखना है तो आप यहाँ पे यही रख सकते हो, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया वैसे कॉन्टैक्टस कॉन्टैक्ट डिटेल्स, तो अगर आप यहाँ पे ये रखना चाहो तो ये रख सकते हो, नहीं तो अगर आपने चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि इसका जो टैम्पलेट है सही है,
ये मैं टेम्पलेट आपको दिखा देती हूँ, उसमें से आप चीजों को पिक कर सकते हो। ठीक है, इसके अंदर है नोटिफिकेशंस है, आइकन्स है, आइकन्स में आ जाओ, सर्च कर लो। कॉन्टैक्ट के लिए आप ये सिंबल यूज कर सकते हो NCA करके ना, ठीक है। इसको मैंने यहां से कॉपी करना है, और इधर यूज कर लेना, और इसको सेव करा, यहां आए, रिफ्रेश करा, ये देखो यहां पे ये चेंज हो गया, ठीक है। इस तरह बाकी जो मुझे चेंज करना है वो, लेट सपोज हमने कहा है कि भाई हमारा जो स्लाइडर है उसकी पिक्चर भी अगर हम चेंज करना चाहें तो वो भी आप उससे बना सकते हो, डायनामिक कर सकते हो स्लाइडर की पिक्चर्स को भी। सही है, बात समझ में आ रही है? तो वो भी आप यहाँ पे लगा सकते हो, लेकिन फिलहाल जो है वो हमारा भी इतना वो नहीं है, तो मैं यहाँ पे भी जो लगा रही हूँ वो है मेरे पास मेडिसिन के अंदर जो है वो हमारे पास यहाँ पे दो ड्रॉप डाउन मैंने बनाई है, ठीक है ना। यहाँ पे मेडिसिन के अंदर मैंने क्या बनाई है, दो ड्रॉप डाउन है, एक सिरप है और एक टैबलेट एंड कैप्सूल है। तो जो मेरे पास जो मेडिसिन है, एक मेरे पास आएगा मेडिसिन का टेबल है वो आ जाएगा, दूसरा हमारे पास हम यहाँ पे रख सकते हैं, एक है हमारे पास स्लाइडर, ठीक है। अब जो आइकन्स है वो आप यहाँ से देख सकते हो कि भाई मेडिसिन के लिए आपने यहाँ पे क्या रखना है, ठीक है। आप यहाँ से कोई भी सर्च कर लो, सर्च करके ये ले लो, स्लाइडर है तो स्लाइडर के लिए देख लो आप यहाँ पे कौन सा आपको सूटेबल लगता है वो जो है वो आप लगा सकते हो। ये वाली जैसे पिक्चर का है ना, तो मैं ये पिक्चर वाला उठा रही हूँ, सही है, जो हम स्लाइडर के ऊपर लगा देंगे, ठीक है। ये यहाँ पे मैंने लगा दी, या इमेज ले लो या कैमरा ले, जो भी ले लो, इमेज ले लेती हूँ, कॉम्पैक्ट कैमरा हटा रही हूँ मैं, यहाँ पे इमेज ले रही हूँ, ठीक है। यहाँ रिफ्रेश करो इसको, ठीक है, इस तरीके से स्लाइडर हो गया, कॉन्टैक्ट डिटेल्स हो गई हमारे पास, ये होगी। इसके बैक पे जो हमारे पेजेस है ना वो हम कैसे मूव करके जाएंगे ये मैं आपको बता रही हूँ, कि हमें जो है वो यहाँ पे क्लिक करने के बाद लॉग आउट करना है। सबसे पहले हमें क्या करना है, लॉग आउट करना है, यानी हमें जो पेज पे मूव करना है वो स्लैश एडमिन के पेज पे जो है वो हमें मूव करना है, ठीक है। यानी हमें इस पेज पे आना है, यानी हमारा जो URL है वो ये है, URL/admin, सही है। अभी मैंने इस पे ये लिखा है, रिफ्रेश करा मैंने इसको, ठीक है, सही है। मैं यहां आ गई वापस, सही है, यहां आप लॉग इन हो रहे हो, और जब मैं इस पे क्लिक कर रही हूँ तो मैं लॉग आउट करके वापस आ रही हूँ। जब मैंने लॉग आउट कर दिया तो मैं जब यहाँ बैक करूँ, ठीक है, तो मैं वापस इस पैनल पे नहीं आना चाहिए, बात समझ रहे हैं, क्योंकि अभी सेशन मेंटेन नहीं है। हाँ, सेशन मेंटेन नहीं, इसलिए मैं बैक करूँ।
वापस डैशबोर्ड पे आ जाऊंगी, ठीक है। तो बेसिकली हमारा काम ये होता है कि लॉग आउट करें, पैनल पे आओगे किस तरीके से, आपने यहाँ पे लिखना है url/admin, यानी आपको जिस पेज पे नेविगेट करके जाना है आप इस तरीके से url करके स्लैश करके, राउट में लाजमी डिफाइन होना चाहिए कि स्लैश एडमिन में खुलना क्या चाहिए, ठीक है। तो जैसे स्लैश एडमिन के ऊपर लिखा हुआ होगा कि भाई स्लैश एडमिन से मेरे पास कहाँ जाएगा, एडमिन कंट्रोलर में जाएगा और बाय डिफॉल्ट इसका इंडेक्स का मेथड चलाएगा, यानी आपका लॉग इन वाला पेज चलाएगा, ठीक है। तो ये डिफाइन होना जरूरी है राउट के अंदर, जो भी चीज मैं कहाँ लिखूंगी आपके यहाँ पे URL में, मैंने जो भी यहाँ पे लिखना है वो राउट की फाइल के अंदर web.com में जो है वो डिफाइन होना जरूरी है, सही है। बिना डिफाइन हुए हुए ये पेज खोल के नहीं देगा, सही है। मैं अपने पास से कोई नहीं लिख सकती इस तरह। अच्छा, अभी मेरे पास देखो यहाँ पे सिर्फ जो कॉन्टैक्ट का टेबल है, जिसकी वजह से मेरा सिर्फ डाटा जो है वो स्टोर हो रहा है ना, कॉन्टैक्ट का सिर्फ फॉर्म मेरे पास स्टोर हो रहा है, बाकी मेडिसिन का मेरे पास कोई स्टोर नहीं हो रहा, सही है। तो मुझे उसके लिए क्या करने पड़ेंगे, टेबल बनाने पड़ेंगे, टेबल बनाने पड़ेंगे, ठीक है। बिना टेबल बनाए तो मेरे पास यहाँ पे होगा नहीं। डेटाबेस के अंदर अगर मैं आती हूँ माइग्रेशन के अंदर, तो आप यहाँ पे देखो मेरे पास यहाँ पे अभी सिर्फ और सिर्फ किसका टेबल बना हुआ है, कॉन्टैक्ट का टेबल बना हुआ है। मुझे किसका बनाना है, मेडिसिन का बनाना है, ताकि मेरे पास मेडिसिन का रिकॉर्ड भी जो है वो जाए। जब मैं मेडिसिन का टेबल बनाऊंगी तो जाहिर सी बात है, जिस तरह कॉन्टैक्ट के टेबल के लिए आपने कॉन्टैक्ट कंट्रोलर बनाया था, इसी तरीके से मेडिसिन के लिए हमारे पास क्या बनेगा, मेडिसिन कंट्रोलर बनेगा, ठीक है। और उसकी मॉडल क्लास भी बनेगी, सही है। जैसे हमारे पास यहाँ पे भी बनी हुई है, अगर मैं यहाँ आपको दिखाऊँ मॉडल्स के अंदर, तो मेरे पास यहाँ पे कॉन्टैक्ट और यूजर बना हुआ है। तो इसी तरीके से मैंने जब मेडिसिन लूंगी तो मेरे पास एक मेडिसिन की भी बनेगी, ठीक है। तो सबसे पहले आपने ये डिसाइड करना है कि मेडिसिन का रफली स्ट्रक्चर हमारे पास होगा कैसे, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसके डेटाबेस की ये लिए बनाएंगे, इसको मैंने यहाँ पे ब्रेक करा है। कंट्रोलर इस तरीके से बनता है, माइग्रेट रिफ्रेश इस तरह होता है, मेक मॉडल बनाना है तो इस तरह बनेगा, ठीक है। कंट्रोलर बनाऊंगी तो रिसोर्स मेरे पास इस तरह बनता है, ठीक है। मैंने यहाँ लिखा है PHP artisan मेक मॉडल, ठीक है। मुझे मॉडल क्लास बनानी है, तो मैं किसकी बना रही हूँ, मेडिसिन की। तो मैंने यहाँ लिखा है मेडिसिन -m, और इसको मैंने इस तरीके से एंटर कर दिया। ये सक्सेसफुली इसने जो है वो मेडिसिन जो है वो मेरे पास क्या कर दिया है, बना दिया है, ठीक है। और इधर भी अगर आप देखो जो माइग्रेशन का टेबल है, इसके अंदर भी मेडिसिन मेरे पास इस तरीके से आ गया। तो मेडिसिन के लिए मेरे पास एक आईडी होगी, जो कि मेरे पास क्या होगी, ऑटो इंक्रीमेंट होगी, ठीक है। इसी के बाद आप यहाँ पे टेबल के साथ जिस तरह हमारे पास बाकी के टेबल्स बने हुए, ये कॉन्टेक्ट का जिस तरह बना हुआ है, नेम है टेबल का, ठीक है। और जो चीज़ आपको यूनिक रखनी है वो सब हम उसी तरीके से रखेंगे। तो ईमेल वेरीफाइड एट लिखा हुआ है, ये नलेबल है जो डिफॉल्ट है, इसी तरीके से मैंने यहाँ पे इसको रखा। मेडिसिन का नेम हो गया, सही है। मेडिसिन की आपके पास क्वांटिटी हो गई, इंटीजर, सही है। इसी तरीके से इसकी प्राइस हो गई, की मेरे पास यहाँ पे नेम है, मेडिसिन का क्वांटिटी है, प्राइस है, सही है। और भी आप बताओ, और हम क्या रख सकते हैं मेडिसिन की जो है हमारे पास कैटेगरी क्या है, कि कैटेगरी हमारे पास कौन सी है, कि सिरप है या टैबलेट है, ठीक है। और मेडिसिन की कैटेगरी होगी हमारे पास, और मेडिसिन जो है वो हमारे पास कितने मतलब ml की है या क्या है, ठीक है। तो वो चीज भी आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो।
ठीक है, अभी मैं फिलहाल इतनी डेप में नहीं जा रही, सिर्फ इतना ही मैंने रहने दिया है कि इसकी क्वांटिटी क्या है, प्राइस क्या है, उसकी जो है वो कैटेगरी क्या है, और इसकी जो है वो डिस्क्रिप्शन जो है वो शॉर्ट आप यहाँ पे लिख सकते हो। ये लिखने के बाद मुझे यहाँ पे करना क्या है, जो मेरा डेटाबेस है, सही है, आपको मैं यहाँ पे दिखा सकती हूँ इस तरह ना, यहाँ पे अभी सिर्फ यही टेबल मौजूद है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इधर मैंने इसका ये मॉडल बनाया, ठीक है, मेक अ मॉडल करा मेडिसिन का, और मेरे पास ये बन गया। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी, PHP artisan migrate fresh करूँगी। फ्रेश करने से क्या होगा, जो भी मेरे पास नया टेबल क्रिएट हुआ होगा वो मेरे पास क्रिएट हो जाएगा, ठीक है, और पुराने में अगर मैंने कोई चीज़ चेंज करी है तो वो भी चेंज हो जाएगी। या अब यहाँ देखो माइग्रेशन हो रही है, और मैंने बेसिकली माइग्रेशन क्या करी है, यहाँ पे फ्रेश माइग्रेशन करी है, ठीक है, माइग्रेट कॉलन फ्रेश, ठीक है। अब ये सक्सेसफुली हो चुकी है, यहाँ पे आके मैं इसको वापस रिफ्रेश करूँगी, तो आप यहाँ देखो ये मेडिसिन का टेबल मेरे पास यहाँ पे बन गया, और इसका स्ट्रक्चर आप देख सकते हो ये बना। अच्छा, ये मेरे पास अगर सेव नहीं हुआ होगा, मैंने इसको सेव करे बगैर माइग्रेट करा था, तो इसने सिर्फ बाय डिफॉल्ट वाली चीज पिक करी है, नजर आ रहा है। अब अगर मैं इसको कंट्रोल एस करके इस फाइल को सेव करूंगी, उसके बाद में दोबारा यहाँ पे चलाती हूँ माइग्रेट फ्रेश, ठीक है, और अब मैं इसको रिफ्रेश करूंगी, ठीक है, मेडिसिन को, तो आप यहाँ देखोगे कि यहाँ पे ये बाकी सारी चीजें भी बन गई, ठीक है, इसको बना लो। इसका साथ ही मैं एक कंट्रोलर भी क्रिएट कर देती हूँ, एडमिन कंट्रोलर है, इसी तरीके से मैं यहाँ पे मेडिसिन कंट्रोलर करूंगा, मेक कंट्रोलर मेडिसिन कंट्रोलर, सही है। तो इसका एक कंट्रोलर भी आपका बाय डिफॉल्ट बन जाएगा HTTP के अंदर, सही है, यहाँ पे, और इस कंट्रोलर के अंदर भी हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं और ये सब मौजूद है।